हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली जो हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जारी किया जाता है, तो फाइनली आज लास्ट वर्किंग डे था मैं जून मंथ का, तो वो पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा, ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी स्क्रीन पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए उसी के जस्ट सामने एक घंटे का निशान होगा, उस पर प्रेस करके इस टाइप से प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तरफ से अभी 30 जून 2021 को 5:13 पर ये जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जारी किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके डीए और डीआर में बढ़ोतरी में। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 इक्वल टू 100, बेस ईयर इसका चेंज हो चुका है, पहले दूसरा था, फॉर मई 2021 इंक्रीज टू 120.6 पॉइंट्स कंपेयर टू 120.1 पॉइंट्स फॉर अप्रैल 2021, यानी कि 0.6 की बड़ी बढ़ोतरी हुई है जून महीने में, यानी कि मई महीने में अप्रैल महीने से कंपेयर किया जाए तो। बाकी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि इसमें जो फूड स्टाफ है इनके बेसिस पर यह तय किया जाता है, और ये देख लीजिए ये भी फूड स्टाफ, बाकी जो इसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है उसमें कंपेरिजन किया गया है, और यहाँ पे जो यहाँ पे भी फूड स्टाफ है, और बाकी इसमें कुछ सिटीज़ दी गई हैं उन सिटीज़ में जिसके बेसिस पर डी और डी आर को तय किया जाता है, लेकिन हमें मतलब होता है उस डेटा से, वो डेटा है 120.6 जिसमें 0.6 की बढ़ोतरी हुई है लास्ट या बोल सकते हैं प्रीवियस मंथ से। चलिए सीधा लेके चलते हैं उस डी ए कैलकुलेटर पर। अब सभी को पता है कि अभी लास्ट मंथ जो था 120 अंक आया था ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो 29.83% आपका डी ए और डी था। अब इस मंथ की 0.6 की बढ़ोतरी हुई है, 120.6 अंक हुए हैं, तो अब इस टाइम पे आपका डी ए और डी आर है वो 30.2 अंक है। अगर हम एक्सपेक्टेड बात करें अगले मंथ की, जिसकी लास्ट रिपोर्ट जुलाई के लास्ट वर्किंग डे में आएगी, तो अगर हम अब समझिए कि सीधा एक अंक की बढ़ोतरी करते हैं, यानी 120.6 से एक अंक की बढ़ोतरी करते हैं तो 121.6 अंक हो जाता है, तो 30.84% आपका डी ए और डी आर तय किया जाता है। एक्सपेक्टेड हम माने तो 31% तक बढ़ेगा, अभी आपको 17% प्रोवाइड किया जाता है, तो 14 से 15% की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अभी कुछ ही दिनों में कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, तो उस कैबिनेट मीटिंग में भी कई सारे डी ए डी आर पर बहुत सारे मुद्दे होंगे, उस पर जो है उन पर भी डिसीजन आ सकता है, जो भी आएगा हम आपको जरूर वीडियो आप